हेलो एवरीवन, और आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आप हैं इस समय कंपोजिट स्कूल लक्ष्मणपुर, और कंपोजिट स्कूल लक्ष्मणपुर के बच्चे दो दिवसीय गोरखपुर जिला रैली, खेल रैली, और उसमें हमारे बच्चों ने प्रतिभाग किया था और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा उनका। उनका सम्मान आज हमारे दोनों प्रधानाध्यापक लोग करेंगे, और ताकि उन लोगों को हौसला बढ़े और वो आगे जाके मंडल में भी स्थान बनाएं। तो चलिए, जैसे उनका सम्मान किया जाएगा हमारे बच्चे उनका अभिवादन करेंगे। कंपोजिट स्कूल लक्ष्मणपुर के प्रधानाध्यापक, ये देखिए हमारे बच्चे बहुत खुश है, बहुत जोर से ताली बजा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा खुश है हमारे बच्चे। हमारे बच्चे मेडल पर मेडल लाए हैं, बहुत सारे मेडल लाए हैं। अब ये बालिका है सेजल, निषाद, और इनको रेणु मैडम अपने हाथों से मेडल बनाते हुए। ब्रह्मपुर ब्लॉक के कंपोजिट स्कूल लक्ष्मणपुर के बच्चे जो जिला स्तरीय रैली गोरखपुर में प्रतिभाग किए, और इन्होंने प्रतिभाग के साथ साथ लंबी कोर्ट दौड़ और कबड्डी में अपना दबदबा कायम रखते हुए कबड्डी में ब्रह्मपुर की टीम प्रथम स्थान पर रही। लंबी कूद और दौड़ में बच्चे दूसरे और क्रमशः तीसरे स्थान पर रहे। ये बच्चे आगे बढ़ें, प्रतिभाग करें, इसकी मनोकामना है कि आगे बढ़ते रहें, और जो कार्य शुरू कर दिए हैं उसको बीच में रोके नहीं। अभी ये जनपद स्तरीय रैली है, इसके बाद इसी महीने में मंडल स्तरीय रैली देवरिया में होगी। ये बच्चे अपना प्रैक्टिस इतनी लगन से करें कि जिले के साथ साथ मंडल में स्थान लें, और मंडल में स्थान लेने के बाद गोरखपुर जनपद का प्रतिनिधित्व प्रदेश में करें। इसी के साथ मेरी मनोकामना है कि बच्चे आगे बढ़ते रहें, और इसका सबसे अधिक श्रेय सभी स्टाफ के साथ साथ अधिक महत्व अनिल को दिया जाता है, जिन्होंने लगन से यहाँ तैयारी कराया। इसके साथ साथ उन्होंने जो अपना समय दे करके योगदान दिया, पढ़ाई के साथ साथ हर साल बच्चों के लिए ये जिले पर लेके जाते हैं, वहाँ से आगे बढ़ेंगे, मंडल पर भी जाते हैं। तो ये मेरी सबसे उपलब्धि ये अनिल की है, इन्होंने इन बच्चों को प्रोत्साहित किया, तैयार किया। अगर ये नहीं मेहनत करते तो ये बच्चे बूढ़े होते हुए भी ये बच्चे लक्ष्मणपुर में ही रह जाते। इसलिए इन बच्चों से भी पुनः आग्रह है कि जिन्होंने मेहनत किया है उस मेहनत को हमेशा बरकरार रखें। जिले में जो भी प्रतिभाग करता है, हर साल मैं बच्चों को ट्रैक सूट अपने स्तर से देता हूं, तो इन्हों को ट्रैक सूट मेरे तरफ से दिया जाएगा। अनिल के समय और पैसे के तो भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन इन्होंने जो समय दिया उसको भी नहीं पूरा कर सकते, लेकिन जो तेल और अन्य खर्च इन्होंने किया है उसके लिए मैं 1,000 रुपया अपने तरफ से इनको दूंगा कि बच्चों के लिए। चाहिए जिला स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता में द्वितीय और तृतीय स्थान लाए, ये जो मेडल पाए, पदक जो देख रहे हो तुम लोग, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, सोना, चांदी और तांबा इसको बोला जाता है, ये एक प्रतीक है। सोना तो नहीं है, लेकिन ये सोने से कम भी नहीं है। इसका महत्व तो सोने से कम नहीं है, चांदी से कम नहीं है, तांबे से कम नहीं है,
ये प्रतीक भले है लेकिन ये दर्शाता है कि ये बच्चे मेहनत किए। अनिल सर ने मेहनत किया, दोनों लोगों का मेहनत रंग लाया, सारे बच्चे क्यों नहीं पा गए? इन बच्चों में कुछ अपना अभ्यास किया, समय दिया, तब जाके इनको मिला। तो ऐसे जो भी अगर कोई किसी भी खेल कूद में हो, अगर वो आगे बढ़ना चाहता है तो अपने स्कूल से ही आगे बढ़े, खेल में प्रतिभाग करे, ब्लॉक स्तरीय, फिर तहसील स्तरीय होता है, जिला स्तरीय होता है, मंडल होता है, फिर राज्य स्तरीय होता है। अभी देखो ये बच्चे देवरिया जाएंगे 19, 20, 21 दिसंबर को, अगर वहाँ भी देवरिया में जीत जाते हैं तो यहाँ से तो जा रहे हैं गोरखपुर जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए, लेकिन अगर देवरिया में जीत जाएंगे तो गोरखपुर मंडल यानी चारों जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए ये राज्य स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता में भाग लेने जाएंगे। तो ये देखो और सब लोग सीखो, ये बच्चे मेहनत किए हैं उसका इनको फल मिल रहा है। अगर तुम लोग राज्य स्तरीय प्रतियोगिता खेल लेते हो तो आगे अगर जब पढ़ोगे, आगे के क्लासों में जाओगे तो उसका महत्व बढ़ जाता है। किसी नौकरी में जाओगे और उच्च शिक्षा में जा करके अगर तुम लोग किसी स्टेट और किसी खेल में प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर लेते हो तो तुम्हें नौकरी मिलने में भी बहुत सहूलियत हो जाती है। ये सब एक कदम है, ये सीढ़ियां हैं, इन सीढ़ियों को छोड़ो मत, चढ़ते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करो। और जब आगे की पढ़ाई करोगे तुम माध्यमिक और उच्च शिक्षा में जाओगे और उस समय अगर स्टेट का प्रतिनिधित्व कर लिए तो तुम राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बन जाओगे। और जो भी लड़का राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बन जाएगा तो उसे नौकरी नहीं ढूंढना पड़ेगा, नौकरी उसको ढूंढ के आएगी, तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा कहीं फॉर्म भरने के लिए। वो लोग आएंगे तुमसे कहने के, चलो हमारे कंपनी में तुम ज्वाइन कर लो, हम तुम्हें नौकरी देते हैं। तो अभी से ये जो कदम है, जो सीढ़ियाँ हैं, उनको चढ़ने का प्रयास करो। आज जो बच्चों का, ये इनके माँ बाप का, हम लोगों का, स्कूल का, अनिल सर का, बड़े सर का, जो आज ये सम्मान बढ़ाए हैं बच्चे, लेकिन हमारे इन बच्चों की वजह से आज हमारे गोरखपुर के, आज पेपर में भी निकला हुआ है, कंपोजिट स्कूल लक्ष्मणपुर के बच्चों ने प्रतिभा किया और पदक पाया, ये नाम आया है। इन बच्चों की वजह से अनिल सर का नाम आया, इन बच्चों की वजह से स्कूल का नाम आया, स्कूल का नाम आया तो भाई हम लोग सबका आया, इसमें सारे बच्चे हैं ना, तुम्हारे गांव का नाम रोशन हुआ कि हाँ लक्ष्मणपुर के बच्चे तो स्पोर्ट्समैन हैं, अच्छा खेलते हैं। लेकिन खेल और पढ़ाई दोनों साथ साथ जारी रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि खेल में मन लग गया तो बस खेलते ही रहो, फिर पीछे हो जाओगे पढ़ाई में, और पढ़ाई नहीं रहेगी तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो दोनों को साथ लेके चलो, पढ़ाई भी और खेल भी, और निश्चित आगे बढ़ोगे, ये हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। सर प्रथम पहले इन बच्चों को तो मैं बधाइयां देना चाहता हूं जिसके ये योग्य हैं। कंपोजिट स्कूल लक्ष्मणपुर का न केवल नाम रोशन किए हैं बल्कि अपने ब्लॉक और जिला पर नाम हम लोगों का रोशन किए हैं और हम लोगों का प्रतिनिधित्व किए हैं, इसके लिए सर्वप्रथम पहले सभी की तालियां हो जानी चाहिए इनके लिए। सफलता की इबारत जो है एक दिन में नहीं लिखी जाती है, कहीं ना कहीं इनके निरंतर प्रयास का ये प्रतिफल है कि आज इन्होंने गोल्ड मेडल, सिल्वर और ब्रॉन्ज जीत कर आए हैं और यह हम लोगों के लिए हर्ष का दिन है, खुशी का दिन है। न केवल हमारी अपेक्षा इन्हीं तीन बच्चों से बल्कि यहाँ जितने बच्चे उपस्थित हैं इन बच्चों से भी उतनी अपेक्षा है कि आगे क्रीड़ा में भाग ले और इसी प्रकार सफलता पूर्वक अपना योगदान दे और जीत करके यहाँ पर आए और हम सभी उनका सम्मान कर सकें। इसी के साथ हम अपने शब्द को समाप्त करना चाहेंगे। चलिए दोस्तों, कंपोजिट स्कूल लक्ष्मणपुर के प्रधान अध्यापक के लिए पहले तो क्लैप कर दो। तो सर प्रथम जो योग्य बच्चे हैं आज आपके सामने खड़े हैं, ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे योग्य नहीं हैं, लेकिन ये जो जब तैयारी कराया जाता है तो उसमें से जो बच्चे पीछे भाग जाते हैं, योग्य सब बच्चे हैं, सब उतनी क्षमता रखते हैं लेकिन काम उस हिसाब से नहीं करते, पहले ही पीछे हट जाते हैं। क्यों पीछे हट जाते हैं? आज ये जो बच्चे आए हैं
इसमें और भी बच्चे हैं, हमारे मंडल पे पहले ही वॉलीबॉल की टीम पहुंच गई है, 5 बच्चे उसमें सेलेक्ट हो गए हैं, सबको पता है। तो और आज अब ये बच्चे भी मंडल पे जा रहे हैं, जितने सिल्वर और गोल्ड मेडल वाले बच्चे होते हैं सबके सब मंडल पे जाएंगे। अंश भी मंडल पे के लिए सेलेक्ट हो गया है। 600 मीटर रेस पता है ना कितना होता है, बहुत लंबा रेस होता है। और उसके बाद विनीत 100 मीटर रेस में सेकंड, तो 100 मीटर समझते हो, बहुत कम दूरी होती है और बहुत तेजी से भागना होता है, तो विनीत ने उसको पूरा किया, सेकंड मेडल आया। और उसके बाद 600 मीटर गर्ल्स में सेजल निषाद ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया, सिल्वर मेडल उसने भी प्राप्त किया है, और जिसमें सभी बच्चों ने बहुत अच्छा प्रतिभाग किया और आज मेडल जीत के यहाँ पर आपके सामने खड़े हैं। इसके लिए बोलना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता है, एक बार पत्थर उछालो तो यारो, तो हमारे तीनों बच्चों ने ऐसा पत्थर उछाला है कि जिले पर कंपोजिट स्कूल लक्ष्मणपुर का नाम छप गया है। आज बहुत ही अच्छा लग रहा है हम लोगों को, हमारे बच्चों को और इनके गार्जियन को, कि ये बच्चे जिले पर स्थान बनाए, उसके बाद मंडल पे पहुंचे हैं, और इनके लिए एक बार इनको लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये मंडल पे भी स्थान लाए और उसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य पर जाए, यानी लखनऊ पहुंचे और वहां भी मेडल जीत के वापस आए। इसी सारी शुभकामनाओं के साथ ये आज का वीडियो यहाँ खत्म किया जा रहा है। बाय बाय।